भारत में जानलेवा कोरोना वायरस ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से आज पहली बार एक दिन में कोरोना संक्रमण के 1,00,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले एक दिन में सबसे ज्यादा मामले 16 सितंबर 2020 को 97,894 दर्ज किए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी 5 अप्रैल 2021 तक के कोरोना के आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। 24 घंटों में कोरोना के 1,03,558 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 478 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश में अब संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,25,89,067 हो गई है, जबकि अब तक 1,65,101 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में दिन पर दिन एक्टिव केस बढ़ रहे हैं, जिनकी संख्या अब 7,41,830 हो गई है। देश में ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,16,82,136 हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 7,91,05,163 डोज दी जा चुकी है। देश में महामारी से बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र में शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक सप्ताहांत लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा सप्ताह के सभी दिनों में दिन के वक्त धारा 144 लागू की जाएगी। साथ ही सोमवार से 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू करने का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार के रोकथाम के मद्देनजर निजी कार्यालय, थिएटर, सैलून आदि बंद रखने जैसी कड़ी पाबंदियां भी लागू रहेंगी। महाराष्ट्र में अकेले देश में कोरोना के कुल मामलों के 57% मामले हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 57,074 मामले दर्ज किए गए हैं और 222 लोगों की मौत हो गई है, जो किसी एक दिन में राज्य में सर्वाधिक मामले हैं। महाराष्ट्र में इससे पहले जब कोरोना वायरस महामारी चरम पर थी, उसके मुकाबले ये आंकड़ा दोगुने से भी ज्यादा है। वहीं दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस के 4,033 नए मामले दर्ज किए गए, जो इस वर्ष की सर्वाधिक दैनिक वृद्धि है, जबकि संक्रमण दर बढ़कर 4.64% हो गई है। बीमारी के कारण 21 और मरीजों की मौत हो गई है, जो 1 जनवरी के बाद से मौतों का सबसे अधिक आंकड़ा है। देश भर में बढ़ते कोरोना के मामलों ने केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक की नींद उड़ा दी है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।